हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आपकी चल रही होगी। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। NTPC की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाला है। बम्पर नंबर की सीट होगी, 27,000 के अप्रॉक्स सीट्स रहेगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अच्छा मौका है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, वेट कर रहे हो, क्योंकि लास्ट वैकेंसी इसकी 2019 में आई थी, तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे तो इंतजार खत्म हुआ आपका। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पोस्ट होगा इसके अंतर्गत, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, CBT 1 2, मतलब जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है सब अच्छे से बताऊंगी, तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि रेलवे में NTPC की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC, इसके थ्रू आपका 27,632 वेकेंट सीट्स है जिसको कि फुलफिल किया जाएगा। अब किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट है, क्या एज की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ। अकाउंट्स कम टाइपिस्ट के लिए एज होना चाहिए 18 to 30 years, 18 से 30 वर्ष, क्वालिफिकेशन 12th पास आउट। सेकेंड पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस, इसका है 18 से 33 वर्ष, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 18 to 30, मतलब 18 से 30 वर्ष, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो इतना सारा पोस्ट है, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, इन सब के लिए 18 से 33 वर्ष एज होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके बाद आपका दो पोस्ट और है, ट्रेन्स क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर, इसके लिए आपका मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष रहेगा और क्वालिफिकेशन 12th पास आउट के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पोस्ट है तो सब वो पोस्ट अलग अलग आएगा, सबका क्वालिफिकेशन सिंपली मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट भी आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एज कब से कैलकुलेट होगा, तो आपका एज ना कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC को 3 years का और SC ST को 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको क्या फी लगेगा। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज, वहीं पर SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल जो भी कैंडिडेट होंगे 250 रुपीज। और जैसा कि अगर आपने पहले भी रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया हुआ तो आपको पता होगा कि ये फॉर्म फी का जो फी होता है ना, रिफंडेबल होता है सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एग्जाम में बैठेंगे, पास हो या फेल हो, उनका पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है। जैसा यहाँ पर 500 रुपीज लिया जाएगा ना जनरल OBC EWS से, तो 400 रुपया एग्जाम के बाद वापस हो जाएगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल से 250 रुपया लिया जाएगा और एग्जाम के बाद पूरा पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, और सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 stages, मतलब कि यहाँ पर पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा। जैसा आपने देखा है कुछ पोस्ट के लिए टाइपिस्ट की भी पोस्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। CBT 1 CBT 2, मतलब कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका एक होगा, उसके बाद उसमें क्वालिफाई करोगे तो सेकेंड स्टेज पर फिर आपका CBT 2 होगा, उसमें क्वालिफाई करके CBAT होगा, आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये हर पोस्ट के लिए नहीं होता है, नॉर्मली बहुत सारे पोस्ट में सिर्फ CBT 1 2 और DV Medical हो जाएगा, और टाइपिस्ट वगैरह की पोस्ट के लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। मतलब स्किल टेस्ट का क्या मतलब, टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए मेरिट लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अब CBT 1 का क्या एग्जाम पैटर्न होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें 100 questions होंगे 100 marks के लिए। टाइम मिलता है आपको 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 का रहेगा।
और अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस, तो फोकस करना है जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जितना हो सके उतना अच्छे से इसकी तैयारी आप करिए। और फिर अब जब ये क्वालिफाई आप कर लेते हो तो फिर आपका CBT 2 होगा, तो उसमें उसका भी आपका ऑनलाइन होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के लिए, 120 प्रश्न 120 नंबर के लिए, समय मिलेगा 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का, और निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। इसमें भी वही 3 सब्जेक्ट होंगे, बट इसमें जनरल अवेयरनेस का आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए रहेगा, मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, एंड रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। ओवरऑल वेटेज अगर इसमें भी बात करें जनरल अवेयरनेस, जो भी रेलवे का एग्जाम होता है ना उसके लिए जनरल अवेयरनेस, साइंस और जो भी होता है जनरल स्टडीज से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इसका जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो अगर आप चाहते हो कि रेलवे के अंदर जॉब करें तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो सिर्फ आप ज्यादा फोकस करना जनरल अवेयरनेस और साइंस वगैरह के ऊपर। सारा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं पर इसको ज्यादा टारगेट करके चल रहे हैं। चलिए, तो आप CBT 2 क्वालिफाई करोगे तो आपका पोस्ट वाइज CBAT होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, तो सैलरी क्या मिलेगी। अब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए निकला है तो सैलरी भी डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होगी ना 25,500 रुपीज से स्टार्ट होगी, और आपको किसी किसी पोस्ट के लिए 35,400 रुपीज से भी स्टार्टिंग होगी। बाद में जैसा आपको पता है केंद्र सरकार की वैकेंसी है, रेलवे में आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, तो ये तो स्टार्टिंग में मिलता है। बाद में हर साल आपकी जब इंक्रीमेंट होती है, पर्स अलाउंसेस बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर दो। आप सोच रहे होगे आपकी अभी तो रेलवे क्या इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है क्या। जी हाँ, बताया गया है, बहुत जल्द वैकेंसी आ जाएगी। अगर अप्लाई के डेट की बात की जाए तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा हाफ मतलब मिड फेब से स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत कम समय है। अगर आप पहले से तैयारी सभी बच्चे करते रहते तो अच्छी बात है, और नहीं तो जितना भी रेलवे का आप पिछला देखेंगे प्रीवियस ईयर वाला सेट लगाइए, मॉडल पेपर भी बनाते रहिएगा। उससे क्या होगा ना कि एग्जाम कभी भी ले आपको उसके लिए टेंशन नहीं रहेगा, आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी रहेगी और आपको अपनी एक सीट मिल जाएगी। एंड आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताए हैं RRB NTPC न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। कहीं पर भी मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप चाहो तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेगी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके आप फॉलो कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी न्यू वीडियो, सभी जो भी जॉब अपडेट आएगी उसकी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।